Have you started thinking about themes for Town Hall 16? Can we expect a new hero? तो finally यहाँ पे Town Hall 16 अपडेट के रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चन थे सारों के यहाँ पे आंसर मिल चुके हैं. Town Hall 16 रिलीज डेट, Town Hall 16 की थीम क्या होने वाला है, Town Hall 16 में अलग एंड अपकमिंग अपडेट में न्यू बिल्डिंग्स की जगह कहाँ से बनेगी और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जिसका खुद आंसर क्लैश ऑफ क्लैंस के मैनेजर डैरियन सर ने दिया है. तो बल्कि सबसे पहले एक बहुत ही अजीब चीज जो कि यहाँ पे है, अपना गार्ड का सिस्टम रिमूव होने वाली बात. मतलब डैरियन सर ने चीज बोली नहीं है कि होने वाला है, पर यहाँ पे उन्होंने बोला ऐसा हम कर सकते हैं कि गार्ड सिस्टम रिमूव हो जाएगा एंड उसके बाद जैसे ही आप ऑनलाइन से हट जाओगे, ऑफलाइन हो जाओगे, आपके ऊपर कोई भी अटैक कर सकता है. वेल, लॉजिक तो सही है, लेकिन मुझे यहाँ पे गार्ड सिस्टम काफी पसंद है बिकॉज जिन अकाउंट्स में हम डेली नहीं खेलते उनमें भाई अगर ऐसा होने लगा तो फिर तो हमारे लग जाएंगे यार. तो ये चीज थोड़ी अजीब लगी मुझे. एंड बात करते हैं नेक्स्ट चीज की. रिसेंट हमको मिला था भाई मैशअप मैडनेस क्लैश ऑफ क्लैंस का प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट. तो वेल गाइस, एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, आप खुद डैरेन सर के मुंह से सुनिए. मैशअप मैडनेस इवेंट, इट वाज रियली वेल डिजाइंड, द ट्रूप्स वर इनक्रेडिबल. कैन वी एक्सपेक्ट थिंग्स लाइक दिस इन द फ्यूचर? या नो, इट बेसिकली फॉर्म्स अ टेम्पलेट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स. वी आर गोना इटरेट ऑन इट एंड मेकिंग श्योर दैट इट्स अ सिस्टम दैट कैन ग्रो एंड स्केल एज द गेम ग्रोस एंड इवॉल्व्स. बट एब्सोल्युटली, या यू विल सी दैट kind of event in the game very fantastic. तो वेल गाइस, यहां पे एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि हम लोगों को अब से इसी तरीके के मैशअप मैडनेस जैसे इवेंट हर सीजन में मिलने वाले हैं, क्योंकि डैरेन सर ने एक वर्ड यूज किया है वेरी सून. इसका मतलब वेरी सून तो यहां पे अपना दिसंबर का अपडेट है. जैसा कि आपको पता है दिसंबर का अपडेट माना जाता है साल का सबसे बड़ा अपडेट. तो यार समझ ही लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. अगला जो हमारा महीना है उसमें वापस से मैशअप मैडनेस जैसा कुछ अमेजिंग सा इवेंट मिल सकता है. भाई सीरियसली मजा आने वाली है. एंड ऑब्वियसली टेम्पलेट की जो बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि पूरे साल जैसे हमने एक टेम्पलेट बना लिया मैशअप मैडनेस का, इसे ही हम लोग यूज कर करके हर साल में हर महीने में कुछ ना कुछ ऐसा ला सकते हैं अमेजिंग सा इवेंट. तो भाई साहब ये काफी अच्छी न्यूज है बिकॉज लोग कुछ नया देखना चाहते हैं गेम में, वही सेम घिसे पीटे इवेंट कौन खेलता रहे. तो मेरे कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे अमेजिंग इवेंट फ्यूचर में एंड वेरी सून आने वाले हैं. तो बल्कि कल मैंने यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी. आप में जितने लोग डेली वीडियोस देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भाई. उनमें 75% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. कल हम लोगों ने 99 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए. एंड वेल गाइस, आप समझ ही रहे हो मैं कहां जा रहा हूं इनडायरेक्टली. 100 के सब्सक्राइबर्स फाइनली होने वाले हैं, तो कर लेना भाई सब्सक्राइब. अब गाइस इसके बाद आप देख सकते हो मैं टाउन हॉल 15 पे हूं. मेरे बेस में ज्यादा कुछ जगह बची नहीं है यार कुछ रखने के लिए. एंड यही एक बहुत बड़ा कंसर्न है भाई कि अपकमिंग टाउन हॉल के साथ यहां पे हम लोग अगर नई बिल्डिंग्स ऐड कर देंगे तो जगह और कम हो जाएगी. एंड एक बहुत ही यहां पे भाई अजीब सी मिथ है कि यहां पे 100 बिल्डिंग्स क्लैश ऑफ क्लैंस में अब यहां पे एक भी बिल्डिंग बढ़ा नहीं सकते बिकॉज 100% बिल्डिंग वाला वो मैच हो रहा है. तो बल्कि डैरेन सर ने काफी क्लियरली बोल दिया कि 100% 100 बिल्डिंग्स वाला कुछ सीन नहीं है. हम लोग न्यू बिल्डिंग्स ऐड करेंगे एंड बेस का साइज बढ़ाने वाली जो बात है वो बिल्कुल यहां पे डिनाई कर दिया है कि जो लोग मोबाइल पे खेलते हैं उनके लिए ऑलरेडी बेस काफी बड़ा है. तो ये चीज यहां पे काइंड ऑफ रूल आउट है कि बेस का साइज बढ़े एटलीस्ट फ्यूचर फ्यू इयर्स में. हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे कि अपने पिछले बार सारे बैरैक्स मिलके एक बैरैक्स बन गए थे, डार्क बैरैक्स मिलके एक डार्क बैरैक्स. तो इस तरीके सारे आर्मी कैंप सारे हीरोज मिलके एक ही जगह पे आ सकते हैं, इससे न्यू बिल्डिंग्स के लिए जगह बन जाएगी. तो बल्कि अगला क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया है इसके रिगार्डिंग बहुत ही पॉजिटिव आंसर आया है. तो अभी गेम में जो न्यू यूआई आया है उसके बाद आप कोई भी चीज अगर देखोगे किसी का भी स्टैट्स एंड अपग्रेड करने के लिए तो आपको इस तरीके से उस बिल्डिंग का बेसिकली इन्फॉर्मेशन दिखाएगा जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव है. न्यू प्लेयर्स के लिए काफी बढ़िया होगा ऐसे कि क्या काम करती है बिल्डिंग वो चेकआउट करने के लिए. लेकिन एक चीज जो लोग मिस कर रहे हैं वो यहाँ पे भाई प्रोग्रेस बार. जब आप अपग्रेड करते हो भाई जो प्रोग्रेस बार आता है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड वो एक्चुअली में फील देता है कि मैं अपग्रेड कर रहा हूँ तो मुझे क्या फायदा मिल रहा है. तो वेलगेस इस चीज के रिगार्डिंग डैरेन ने बोला कि ये बहुत जल्दबाजी में न्यू यूआई वगैरह ऐड कर दिए गए हैं, इसमें डेफिनेटली अभी काम चल रहा है एंड ऐसा कर दिया जाएगा कि भाई पुराने वाले जो प्लेयर्स हैं जिनको भाई वो पुराने वाले यूआई बार की आदत है अपग्रेड करने टाइम उन सभी की प्रॉब्लम फिक्स जाएगी. एंड जैसे वॉल अपग्रेड करने आप जाते हो जो ये दिक्कत आती है ये सब अजीब सा लगता है ये फिक्स कर दिया जाएगा ऐसा डैरेन ने बोला है. अब लेट्स ये लोग कैसे फिक्स करते हैं क्या ये लोग भाई करेंगे जिससे हमारी ये दिक्कत दूर हो जाएगी. वेलगेस नेक्स्ट चीज थी यहाँ पे अपने क्लैन वॉर लीग के रिगार्डिंग. करंटली क्लैन वॉर लीग में आप 15 वर्सेस 15 30 वर्सेस 30 लगा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम लोग यहाँ पे कस्टम सीडब्ल्यू लगा सकते हैं 5 वर्सेस 5 10 वर्सेस 10 50 वर्सेस 50 भाई जितना हमारा मन करे. तो इसके रिगार्डिंग आंसर था नो बिकॉज जो यहाँ पे क्लैन वॉर लीग का मैच मेकिंग पहले इतना बिगड़ा हुआ है जो लोग कंप्लेन करते रहते हैं अगर ये लोग ऐसे कस्टम वॉर का चांस दे देंगे समझो कोई 5 वाय खेल नहीं रहा तो उसमें क्या होगा भाई कि और ज्यादा मिसमैच हो जाएंगे एंड इसलिए इसको भाई बिल्कुल भी यहाँ पे
नहीं कर सकती है क्लैश ऑफ क्लैंस की टीम, इनका ये कहना। तो बल्कि अगली चीज थी यहाँ पे अपने हीरोज की रिगार्डिंग, हीरोज जब आप अपग्रेड करते हो उनको अपग्रेड करते करते यूज करना, एटलीस्ट फ्रेंडली वॉर्स या फ्रेंडली चैलेंज में तो करने दो। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बीच में डायन सर ने आंसर दिया, कोई भी यहाँ पर ऐसी कंफर्मेशन नहीं दी, पर उन्होंने एक बात बोली है, हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि जब आप कोई हीरो अपग्रेड करो उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ आपको लगे कि हाँ यार कुछ फायदा मिला है, तो ऐसे 24 घंटे या फिर एक दो दिन के लिए आपको बूस्ट मिल जाए अपने हीरो पे कुछ लेवल्स का, तो इससे क्या होगा आपको अपना हीरो अपग्रेड करने के पीछे कुछ एक रीजन मिलेगा एंड आपको रिवॉर्डिंग लगेगा वो इस तरीके का सिनेरियो। तो ये चीज़ तो बोली है, पर उन्होंने उस आइडिया को बिल्कुल भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया कि हीरोज को यूज करते हुए अपग्रेड करना, बिकॉज फिर गेम स्ट्रेटजिक किस बात का है जब आपको सारी चीजें इतनी आसानी से मिल जाएं। तो वेल गाइस अगली चीज यहाँ पे बिल्डर बेस के रिगार्डिंग है। बिल्डर बेस यहाँ पे 2.0 अपडेट जब स्टार्टिंग में आया था काफी लोगों ने एंजॉय किया, पर अब ये अपडेट वापस से बिल्डर बेस 1.0 जैसा हो चुका है। लेकिन एक चीज डायनसर ने कंफर्म कर दिया है, हम लोग बिल्डर बेस 1.0 को जैसे नेगलेक्ट किए थे, 5 साल में कोई अपडेट नहीं दिया था, वैसे हम लोग बिल्डर बेस 2.0 को बिल्कुल नहीं करेंगे। थर्ड स्टेज यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि भाई फ्यूचर में थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इवन और ऐसे भाई नए नए स्टेज यहाँ पर ऐड होने वाले हैं, जैसे अपना सेकंड स्टेज है इस तरीके से और भी स्टेज ऐड होंगे, एंड BH 11, 12, 13, 14 सभी का प्लान है। तो इस बार यहाँ पे अपना जो है बिल्डर हॉल, बिल्डर बेस नेगलेक्ट नहीं होगा एंड इसमें भी अपडेट्स आने वाले हैं। अब आता है टाउनल 16 का क्वेश्चन। यहाँ पे अपने गेम में टाउनल 13 के बाद कोई भी नया हीरो नहीं आया, टाउनल 14, 15 किसी में नहीं, तो ऑब्वियसली सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाउनल 16 के साथ एक न्यू हीरो आएगा। इसके रिगार्डिंग क्या बोला डायन सर ने, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। So with that said then, the next town hall is town hall 16. I've got a couple of questions that were asked from the community. Can we expect a new hero? Can you give anything away? Probably not. The answer I wanted. तो वेलगेस भले ही डायरेक्ट सर ने यहाँ पे काफी क्लियरली रूल आउट कर दिया और टाउन हॉल 16 के साथ एक न्यू हीरो का अपडेट, लेकिन एक चीज जो यहाँ पे खुद डायरेक्ट सर एंड खुद जूडो ने बात की थी बहुत पहले, वो ये थी कि जैसे अपने बिल्डर बेस में होता है भाई, आपने देखा होगा बिल्डर बेस में आप हीरो स्विच कर सकते हो, मतलब आप बैटल मशीन की जगह बैटल कॉप्टर यूज कर सकते हो, सेम वे में आप चार ही हीरो यूज करोगे एंड चारों के बदले आप जो पांचवा वाला हीरो उसको स्विच कर सकते हो, तो ये चीज भी पॉसिबल है, पर इसमें गेम का स्ट्रेटजी वाला पार्ट थोड़ा सा हर्ट होगा, तो इसलिए मुझे लगता है इसकी भी थोड़ी चांसेस कम हो जाती है यहाँ पे, बिकॉज डायरेक्ट सर ने काफी क्लियरली बोल दिया कि वो अपने गेम के स्ट्रेटजिक पार्ट को बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे इन सब अपडेट्स के लिए। एंड वेल गाइस टाउन हॉल 14 के साथ हम लोगों को मिला था अपना जंगल थीम, टाउन हॉल 15 के साथ मिला हमको मैजिक थीम, क्या मिलेगा टाउन हॉल 16 के साथ? वेल इसके रिगार्डिंग क्या बोला डायन सर ने, आप खुद देख लीजिए। Do you have a theme locked in? Because we had the jungle theme at Town Hall 14, the magic theme at Town Hall 15. Have you started thinking about themes for Town Hall 16? Yeah, no, we've got the theme nailed down. Oh, nice. Okay, I guess that's as far as that question goes then, huh? Yeah, we know what the theme is. अब वेलगीज भले डायन सर ने यहाँ पे रिवील ना किया हो भाई कि क्या थीम होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हाइप बनाना चाहते हैं, पहले से रिवील नहीं कर सकते यार, लेकिन आप स्टिल एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे अपना विंटर अपडेट पे आया था टाउन 13, तो हमें काइंड ऑफ विंटर से सराउंडेड एक थीम मिली थी, एंड अपना अप्रैल में आया था अपना तो जंगल थीम मिली, तो इसी तरीके से टाउन 16 कब रिलीज होने वाला है इससे इन्फ्लुएंस हो सकती है भाई अपनी जो थीम आने वाली है। एंड इसी बात पे आता है भाई अपना यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन, टाउन हॉल 16 कब आएगा, क्या बोला डायन सर ने, आप खुद देख लीजिए। Oh well, but that's good. Town Hall 16 is in the works. But 18 months, I think you've said in the past, is roughly 18 month guideline, which would take us into April ish. We know what the theme is. Think, think. Darian. Okay. Any additional comments then? Because I feel like I'll just be nudging you and nudging you. Any additional comments for Town Hall 16? Well, we know what the theme is. Okay. We know what content, as far as the core content that we want to do for Town Hall 16. Like we're fairly sure we've got that nailed down. तो वेलगीस अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है जहाँ पे हमने पूरा पैटर्न एक्सप्लेन किया था कैसे यहाँ पे न्यू टाउन रिलीज होते हैं, उसके हिसाब से अप्रैल 2024 ही हमने बताया था आपको। तो वेल उसी टाइम पे लग रहा है कि अपना न्यू टाउन रिलीज होने वाला है, इस बात पे डायरेक्ट सर भी काइंड ऑफ एग्री करते हैं। इस वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो यार सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे किसी अपकमिंग वीडियो में किसी ऐसे और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप क्लैशिंग एंड पीस आउट।